Redmi वर्सेज Redmi, Redmi के देखो दो फोन्स हैं जो आपको सिमिलर प्राइस पॉइंट पे लेकर आते हैं और दोनों ही 5G फोन हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि यार इन दोनों में से कौन सा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है या आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। इसलिए मैं आज कंपैरिजन लेके आया हूं Redmi 13C वर्सेज Redmi 12 5G का। लेकिन चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। अब देखो Redmi 12 और 13C में एक बात पहले क्लियर करता हूं, दोनों काफी ज्यादा प्रीमियम फोन होते हैं इन हैंड में। तो यहां पे Redmi 12 5G में जो है आपको ग्लास मटेरियल देखने को मिलता है और 13C में प्लास्टिक। लेकिन सबसे बड़ा एक और मेजर पॉइंट क्या है ना, IR ब्लास्टर। अब बहुत सारे Xiaomi के फैंस हैं जिनको IR ब्लास्टर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, जो कि है आपको सिर्फ 12 में मिलने वाला है, 13C में वो मिसिंग है। फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों के पावर बटन में है और मेरे को ना ज्यादा फास्ट 12 का लगा, वहां पे को लगा था ये थोड़ा और बेटर हो सकता है अपडेट के बाद। स्पीकर सिंगल है बट थोड़ी सी क्लैरिटी जो है मेरे को ना 13C से ज्यादा 12 की लगी है, लेकिन हाँ मैं बोलूंगा लाउडनेस दोनों का सिमिलर है। हैप्टिक्स में बोलूंगा उनमें ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिलता है। इसके अंदर ना आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी स्लॉट देखने को मिलता है, मतलब आप दो सिम प्लस एसडी कार्ड लगा सकते हो, लेकिन Redmi 12 के अंदर जो है सिर्फ आप एक सिम या फिर एक एसडी कार्ड या फिर दो सिम लगा सकते हो। तो हाँ मेरे हिसाब से ना अगर मैं ओवरऑल डिजाइन की बात करूं तो मेरे को ना देखो सटल डिजाइन ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मेरे को 12 ज्यादा अच्छा लगा। और अगर हम 5G बैंड्स की बात करें, दोनों फोन में सिमिलर 5G बैंड्स है, मिसिंग दोनों में एक काफी मेजर है N77, लेकिन हाँ दोनों सेम आपको 5G बैंड्स लाके देंगे। और इसके अंदर आपको ऑफिशियली IP53 का रेटिंग देखने को मिलता है। इसके अंदर भी Xiaomi ने बोला है कि ये भी थोड़ा स्प्लैश रेजिस्टेंट है बट ऑफिशियल रेटिंग नहीं है। अब एक और मैंने चीज देखी कि बॉक्स कंटेंट को लेके, सबसे पहले ना आपको जो 12 में जो है एक केस भी मिलता है और जो चार्जर है वो आपको 18 वॉट का सपोर्टेड मिलेगा, मतलब उसमें 22.5 वॉट का है, लेकिन इसके अंदर 18 वॉट का सपोर्टेड है लेकिन जो चार्जर है वो 10 वॉट का मिलेगा। तो थोड़ा ज्यादा आपको जो वैल्यू है ना वो आपको Redmi 12 5G में मिलेगा। अब डिस्प्ले पे आते हैं, देखो डिस्प्ले ना ऑन स्पेक अगर हम जाएं तो भाई Redmi 12 5G का काफी बेटर है। फुल एचडी डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज का पैनल है और जैसा आप देख पा रहे हो बेजल भी काफी ज्यादा कम है अगर हम 13C से कंपेयर करते हैं। तो यार देखो दोनों मेरे को काफी सिमिलर लगे, नो डाउट थोड़ा शार्पर जो है वो 12 का है, लेकिन इसका पैनल भी ना मैं तब तक नहीं क्लियर हो पाया था कि मुझे लग रहा था फुल एचडी है, जब तक मैंने स्पेक शीट देखी ना उसके बाद लगने लगता है कि हाँ यार थोड़े जो है पिक्सल्स दिख रहे हैं। स्पेक पे जाएं तो ये शायद 550 निट्स तक जाता है और ये 600 निट्स तक जाता है। अगर मैंने आउटडोर देखो दोनों को यूज करा ऑलमोस्ट सेम थे, ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिले हमें। तो मेरे हिसाब से ना डिस्प्ले पार्ट पे थोड़ा ऐसा देखो इसको मिलता है क्योंकि डिजाइन ज्यादा मॉडर्न है, बेजल कम है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा इसका पैनल बुरा है, काफी अच्छा पैनल है। लेकिन अगर हम वैसे विनर की बात करें तो यार Redmi 12 इज अ बेटर डिस्प्ले। डिस्प्ले तो हो गया, परफॉर्मेंस का क्या? अब देखो इसमें हम कंपेयर करें तो भाई Snapdragon वर्सेस MediaTek 4Gen 2 वर्सेस 6100 प्लस, बट MIUI तो दोनों में है। तो देखो डेली परफॉर्मेंस ना काफी ज्यादा सिमिलर था, कोई मेरे को मेजर चेंज नहीं मिला। मेरे डे टू डे टास्क में ना काफी अच्छा दोनों ये फोन परफॉर्म कर रहे थे। अगर हम ऐप ओपनिंग की बात करें या फिर मल्टीटास्किंग की, दोनों फोन लैग नहीं करते क्योंकि सिमिलर स्टोरेज टाइप भी देखने को मिलेगा जो कि है UFS 2.2 और रैम टाइप भी सेम है। तो परफॉर्मेंस देखो डेली बेसिस पे आपको काफी सिमिलर मिलने वाला है, ब्लोटवेयर भी सिमिलर मिलने वाले, अच्छे खासे ऐप्स आपको दोनों फोन में मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं गेमिंग पे अगर आऊं तो वहां पे हल्का सा एज जो है वो Redmi 12 को है, क्योंकि देखो वहां पे ना Snapdragon का जो GPU है ना मेरे को थोड़ा ज्यादा पावरफुल लगा। या ओवरऑल अगर आप डेली यूसेज पे अगर आप देखें तो दोनों काफी सिमिलर परफॉर्म करेंगे, लेकिन आपको लगे यार मेरे को थोड़ा सा बेटर गेमिंग चाहिए तो हो सकता है Snapdragon थोड़ा ज्यादा बेटर परफॉर्म करे ओवर MediaTek। अब बैटरी पे आते हैं, बैटरी किसका ज्यादा बेटर है? देखो दोनों काफी ज्यादा सिमिलर परफॉर्म करने वाले, दोनों में 5000mAh बैटरी देखने को मिलती है और चार्जिंग जैसा मैंने बताया कि 18 वॉट का ही सपोर्ट है, लेकिन हाँ चार्जर जो है आपको Redmi 12 में बेटर स्पीड वाला मिलेगा। मेन चीज पे आते हैं कैमरा, स्पेक की बात करें तो दोनों का जो मेन लेंस है वो 50MP का है, लेकिन फ्रंट में आपको Redmi 12 में जो है आपको 8MP का फ्रंट मिलता है और इसमें 5MP का मिलता है। अब दोनों का ना कैमरा सैंपल्स मैंने यार कॉपी करा अपने डेस्कटॉप पे और मेरे फ्रेंड ने चेक करा कि किसका बेटर देखने को मिल रहा है, लेकिन यार देखो दोनों का जो रिजल्ट था ना काफी इनकंसिस्टेंट मैं बोलूंगा। कई जगह पे Redmi 12 बेटर लग रहा था और कहीं पे 13C, लेकिन मैंने एक चीज देखा कि जो क्लैरिटी है ना दोनों में इतनी ज्यादा नहीं है जो हमने बजट में एक्सपेक्ट कर रखा है, आपको काफी सिमिलर परफॉर्मेंस मिलने वाली है। डिटेल्स जो है मेरे को थोड़े ज्यादा कभी 13C में लग रहे थे, शायद ओवर शार्पन थोड़ी इमेज आ रही थी, जो Redmi 12 है वहां पे थोड़े सॉफ्ट इमेजेस लाके दे रहा था। लेकिन अगर हम फ्रंट की बात करूं तो वहां पे ज्यादा बेटर ऑब्वियसली जो है आपको Redmi 12 मिलने वाला है जो 5G है, और इसमें मेरे को लगा कि थोड़ा सा डिटेल मिसिंग थी क्योंकि 5MP मेरे हिसाब से काफी ज्यादा कम रहता है। लेकिन ओवरऑल कैमरा देखो नेक टू नेक है, आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं लगने वाला है, बस फ्रंट में बोलूंगा कि Redmi 12 5G बेटर है। अब देखो सबसे बड़े क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है इसका प्राइस। देखो Xiaomi ने ना मेरे को ऑफिशियली इसका प्राइस नहीं दिया, बस इतना हिंट कर रखा है जो मुझे लग रहा है उल्टा 12,000 के नीचे ही आने वाला है, क्योंकि देखो Redmi 12 ही 12,000 का आता है। अब देखो यहाँ पे ना डिफरेंस बहुत ही ज्यादा माइनर होगा अगर सिर्फ ₹1,000 तक में अगर ज्यादा चेंज नहीं है, जैसे मान लो 11,000 का ये लॉन्च होता है तो मेरे को क्या लगता है ना उसमें आपको ₹1,000 ज्यादा देखे ना Redmi 12 में ना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको थोड़ा बेटर डिस्प्ले मिलता है, गेमिंग परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर है, IR ब्लास्टर है और मेरे को थोड़ा ज्यादा प्रीमियम भी जो है फोन दिखने में भी लगा है। लेकिन अगर मान लो 2,500 से ज्यादा का प्राइस डिफरेंस है, खासकर दोनों के बेस वेरिएंट को लेकर हम चले तो हाँ यहाँ पे भी आपको बुरा फोन नहीं मिलता है, आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी स्लॉट मिलता है, परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा है, डिस्प्ले भी ब्राइट है, आउटडोर अच्छा दिखता है और कैमरा भी बोलूंगा अगर इतना कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्म करता है। तो डेफिनेटली आप 13C भी कंसीडर कर सकते हो, फोन बिल्कुल भी ऐसा बुरा नहीं है। फिर भी अगर देखो इन फोन के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपके डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट्स करना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश
करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब।